सत श्री अकाल दोस्तों, चैनल फ्रंटलाइन पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब इत्थे होया अजहालान, सोचां विच पै गई सरकार, चारे पासे हो गई चर्चा। दिल्ली दीआं सरहद्दां ते पिछले 26 नवंबर तो खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण दे मकसद नाल किसान मोर्चा ला के डटे हुए हैं, जिथे किसान आगुआं वल्लों बार बार लोगों नूं शांतमई ढंग नाल इस संघर्ष नूं जारी रखण की अपील की जा रही है। उत्थे ही कुछ लोगों वल्लों इस संघर्ष च शामिल हो के इस नूं असफल बनाउण दीआं कोशिशां भी लगातार जारी हैं। जिथे केंद्र सरकार की शायद 26 जनवरी नूं कढ़ी गई ट्रैक्टर परेड दौरान भी पुलिस वल्लों रस्ते रोके गए ते इस ट्रैक्टर परेड नूं असफल करन की कोशिश की गई। हुण लाल किले की हुई घटना नूं लैके सरकार वल्लों सरहद्दां उपर चल रहे धरनिआं ते सख्ती वधाई जा रही है ते कुछ लोगों वल्लों अफवाहां फैलाईआं जा रही हैं कि सब लोग धरने तों वापस अपने घर जा रहे हैं। इन्हां गल्लां दा ही मूँह तोड़ जवाब देण लई कल रात लखां दी तादाद विच किसान गाजीपुर ते सिंघू बार्डर उपर किसानां दी हिमायत लई पहुँच चुके हन। हुण पंजाब दे इक पिंड विच अजिहा ऐलान कर दिता गया जिस नूं वेख के सरकार भी सोचां विच पै गई। प्राप्त जानकारी अनुसार यह खबर बठिंडा जिला के अधीन पैंदे पिंड बिरक खुरद विचों सामने आई, जिथे पिंड की ग्राम पंचायत ते आम पंचायत वल्लों एक मीटिंग करके एक मता पास किया गया, जिस विच ग्राम पंचायत वल्लों जारी मता एक लैटर पैड ते लिखा गया जिस उपर महिला सरपंच मनजीत कौर की मोहर ते दस्तखत भी हन। नाल ही पिंड के कुछ बंदयां दे नां ते मोबाइल नंबर भी दिते गए हन। इस फरमान के अनुसार पिंड के हर एक घर विचों एक व्यक्ति का दिल्ली चल रहे किसानी अंदोलन में शामिल होना जरूरी कर दिता गया। अगर कोई किसी वजह कारण इस अंदोलन में शामिल नहीं हो सकता तो उसनों जुर्माने वजो 1500 रुपए अदा करने पैणगे। अगर कोई पंचायत वालों जारी इस फरमान की उलंघना करता तो उसका पिंड समाजिक तौर पर बाइकाट किया जाएगा। पिंड के सब लोगों वालों पंचायत के इस फैसले का स्वागत किया गया। देश का हर इंसान अपने वालों इस संघर्ष में बनता योगदान पा रहा है। दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नवी खबर के नाल।